आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज। इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के इस्कॉन मंदिर से। देखिए कैसे भजन कीर्तन का माहौल चल रहा है, कैसे भक्त श्रद्धा में सराबोर है, लीन है राधा कृष्ण की भक्ति में। ये भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी अनवरत चल रहा है, सुबह 4 बजे से सारा दिन यही कार्यक्रम आज रहने वाला है। रात के 12 बजे दर्शन होगा। हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं कैसे जलाभिषेक किया जा रहा है। देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे जलाभिषेक किया जा रहा है, राधा रानी जी का दर्शन किया जा रहा है। दर्शन कैसे जो गणमान्य लोग हैं दूध से, जल से, शहद से अभिषेक किस तरीके से कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पटना के इस्कॉन मंदिर से। ये सीधी तस्वीरें राधा रानी जी का, जो राधा रानी जी के दर्शन हम आपको करा रहे हैं, राधा कृष्ण की अभिषेक किया जा रहा है पटना के इस्कॉन मंदिर में। ये सीधी तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आइए हम गुरु जी से बात करने की कोशिश करते हैं। गुरु जी अभिषेक कब से चल रहा है? अभिषेक चल रहा है 10 बजे से। अच्छा, कब तक चलेगा? 8 बजे रात तक। 8 बजे रात तक। हाँ, वो भी गणमान्य लोग आएंगे। हाँ, इसमें जो है, इसमें क्या क्या है? इसमें दूध है, दही है, घी है, मधु है, शक्कर है, तुलसी है, फूल है। इसको पंचामृत बोलते हैं, 5 चीज को मिलाकर के बनाया जाता है। ये देखिए पंचामृत से कृष्ण राधा की ये जो आप अद्भुत अलौकिक तस्वीर देख रहे हैं, इसको किस तरीके से अभिषेक किया जा रहा है। ये सारा दिन ये इसी तरीके से कार्यक्रम चलेगा। यहाँ देखिए कुछ भक्त हमारे साथ हैं जो किस तरीके से ये कर रहे हैं, राधा की भक्ति में लीन है, कृष्ण की भक्ति में लीन है। कैसे मना रहे हैं आप लोग आज? आज जन्माष्टमी मना रहे हैं। हम लोग हर एक साल यहाँ आते हैं भगवान की कृपा से, और हम लोग हर एक साल सेलिब्रेट करते हैं यहाँ आकर। आज 25-30 साल हो गया है हम लोग सेलिब्रेट करते हुए इस्कॉन, जब से राजेंद्र नगर में है उसी समय से आते हैं। ये विश्वास है, अटूट विश्वास है भक्तों का। आइए कुछ और तस्वीरें हम दिखाते हैं आपको पटना के इस्कॉन मंदिर से। वो देखिए झूला, झूला किस तरीके से सजाया गया है, कैसे आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। राधा जी को गोद में लेकर के इस पर आए हैं। बताइए और बताइए अपना क्या, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का ओकेजन भी बहुत अच्छा और बहुत मजा भी आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ आकर मन को शांति मिली है। तो आइए एक और तस्वीर दिखाते हैं, अलौकिक तस्वीर पटना के इस्कॉन मंदिर से, किस तरीके से झूला सजाया गया है, इसी झूले पे कैसे झूल रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए कैसे झूला झुलाया जा रहा है, राधे कृष्ण, कृष्ण जी को झूले में विराजमान है हमारे कृष्ण जी और कुछ भक्त है जो कि झूला झूला रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे महसूस कर रहे हैं? आनंद की अनुभूति हो रही है। आप देखिए झूला करके। आप बताइए मैम कैसा सेलिब्रेट कर रही हैं? आज मेरा मतलब जिंदगी में पहली बार मैं झूला झूला रही हूँ, ये सौभाग्य है मेरा, और ये इस्कॉन से जुड़ने का मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे सेवा यहाँ पे देने का मिला है। आप बताइए। हरे कृष्णा, यहाँ आने पे बहुत ही आनंद मिलता है, और गोपाल जी कृष्णा जी को झूला झुलाने में बहुत ही परम आनंद का अनुभव होता है। हमारे लड्डू गोपाल कान्हा जी बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, सभी पे आनंद बरसाते हैं और बरसाएंगे सभी पे। इस कलयुग में वो अवतार ले चुके हैं, हरि नाम से और महामंत्र उनका करने से सभी को मुक्ति मिलेगी। आप सभी से हमारी आग्रह है कि आप सभी महामंत्र का जाप करें और मुक्ति पाए और भगवान के धाम जाएं। एक बार बोलिए। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आप इसी तरह की तस्वीरों के साथ बने रहें।
पटना में। हरे कृष्णा, सबसे पहले आज जन्माष्टमी के अवसर पर बिहार वासियों को इस सौगन पटना की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, बधाई, अनंत मंगल कामना। आज देख रहे हैं कि आज सुबह से ही भक्तों की कतार लगी है और हम लोग ने इस बार वृंदावन थीम रखा है कि जो लोग मंदिर आए हैं इस्कॉन पटना तो उनको वृंदावन का फील हो कि हम वृंदावन में आ रहे हैं, और बाकी बिहारी बिहार में पधार चुके हैं तो हम लोग बाकी बिहारी को यहाँ रखा है। और काफ़ी सजावट हम लोग काफ़ी ऊँच स्तर का सजावट हम लोगों ने किया है। एक महीना से हमारी तैयारी चल रही थी कि भगवान के सजावट में, साज सजा में, लाइटिंग में, और सबसे बड़ी बात कि हम इस बार सुरक्षा का विशेष ख्याल हमने रखा है, ट्रैफिक का भी ख्याल रखा हम लोगों ने कि जो माताएँ आती हैं उनको किसी तरह का परेशानी न हो, इसीलिए हमने 128 कैमरे हमारे कैंपस में हैं, CCTV कैमरे हैं, 10 पुलिस पोस्ट भी हैं, और हमने रूट का डायवर्जन भी किया है ट्रैफिक के लिए। तो हम लोगों ने पूरा ख्याल रखा कि जो भक्त अगण आते हैं वो दर्शन करें, सहजतापूर्वक दर्शन करें भगवान का, आना क्योंकि आनंद सब है, भगवान का आनंद प्राप्त करें, भगवान का कृपा प्राप्त करें और प्रसाद ग्रहण करें। हमने देखा कई काफ़ी तस्वीरें देखी, भजन कीर्तन का ये जो माहौल है ये कितने देर चलेगा? ये अनवरत सुबह 7 बजे से मैं चल रहा है, रात के 1:30 बजे अनवरत चलता रहेगा। अलग अलग टीम हमारी है जो कि बाहर बाहर से, वृंदावन से भी बाहर बाहर से टीम आई है, जो कि अनवरत आपको वो जो वृंदावन का जो मौलिक रस है वो मिलेगी देखने को। एक और तस्वीर मैंने देखी, जलाभिषेक किया जा रहा है, वो कंटिन्यूस की तरह? हाँ, वो कंटिन्यूस चलेगा शाम के 7 बजे तक। और दूसरा एक देखा मैं, बहुत अच्छा झूला आप लोगों ने सजाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माताएं उसको झूला रही। हाँ बिल्कुल, हम लोग ने हर तरह किया कि मतलब लोगों को आनंद ही आनंद फील हो, इसलिए भगवान के अलग अलग लीलाओं का, भगवान के अलग अलग कैटेगरी का हम लोगों ने ये किया। आज जो प्रसाद बन रहा है उसका क्या, उसकी कुछ विशेष? ये प्रसाद एकादशी प्रसाद होगा क्योंकि लोग आज व्रत में होंगे तो अन्न प्रसाद नहीं होगा, आज एकादशी प्रसाद होगा। तो कैसे तैयार करते हैं प्रसाद? ये तो आपको मखाने की है, कुट्टू आटा की है, और साबुदाने की है, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स से बनाते हैं, तो ऐसे बनाते हैं सब। हाथी घोड़ा पालकी जय कर रही है लाल की। आज कृष्ण अष्टमी की धूम है पटना में। मैं अपने तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ किस तरीके से पूरा पटना जो है वो कृष्ण जन्मभूमि में डूब गया है, और किस तरीके से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको पटना के इस्कॉन मंदिर से सीधी तस्वीरें। आप देखिए कैसे लोग आए हैं, कैसे श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे झूम रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे राधे की भक्ति में लोग सराबोर हो चुके हैं। देखिए कि पटना की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, सारा पटना जो है वृंदावन में हो गया है। हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं, कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है पटना? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जन्माष्टमी के दिन है, हम लोग व्रत पे भी है, जन्माष्टमी का उत्सव हम लोग धूमधाम से। देखिए सीधी तस्वीरें पटना की हम आपको दिखा रहे हैं, ये राधा रानी के साक्षात दर्शन आप करिए, और किस तरीके से श्रृंगार किया गया है, ये अलौकिक श्रृंगार है पटना के इस्कॉन मंदिर से। किस तरीके से कतारबद्ध लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, CCTV कैमरे की व्यवस्था की गई है। देखिए सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सभी लोग पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अपना अपना अरदास मांग रहे हैं। कुछ भक्त हैं जो कि बहुत दूर से आए हैं। सर कहाँ से हैं? कहाँ से? बेली रोड। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है। वृंदावन हो गया पटना? पटना पटना। सर कैसा लग रहा है? चंपारण से आए, चंपारण से, गांधी की धरती से। बहुत अच्छा लग रहा है। बम्बई में घूमे हैं इस्कॉन मंदिर महाराष्ट्र में, उससे भी बेहतर लग रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? तस्वीरें आप जिस तरीके से देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज पर, ये सुरक्षा के इंतजाम किए गए। हमारे साथ गुरुजी हैं, गुरुजी सुरक्षा के इंतजाम, और किस तरीके से देखिए ये व्यवस्था कतारबद्ध तरीके से लोग करा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें देखिए पटना के इस्कॉन मंदिर से, आपको हम इसी तरह तस्वीरें दिखाते रहेंगे। पटना के इस्कॉन मंदिर से ये तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। विकास को